अलविदा अटल। देश ने आज सबसे बड़े राजनेता, महान कवि, साहित्यकार और अपने पूर्व प्रधानमंत्री को खो दिया है। भारतीय राजनीति के भीष्म पितामह, सियासत के अजात शत्रु और लोकतंत्र के ध्रुव तारा अटल अब हमारे बीच नहीं है। प्रधानमंत्री बनने से पहले अटल बिहारी वाजपेयी का सबसे यादगार इंटरव्यू हम आपको दिखाने जा रहे हैं। कांग्रेस नेता राजीव शुक्ला के सवालों का अटल जी ने कैसे जवाब दिया था, देखिए। नमस्कार, आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक ऐसे राजनेता से जो पिछले कई दशकों से विपक्ष की राजनीति के शीर्ष पर हैं, और आज जब लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं तो एक बड़े राजनीतिक दल ने उन्हें अपने भावी प्रधानमंत्री के रूप में पेश किया है। आप समझ गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं बीजेपी लीडर और लोकसभा में विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी की। पिछले 30 साल से आप अपोजिशन में, अगर 2.5 साल छोड़ दी जाए जनता पार्टी की सरकार के, जब आप विदेश मंत्री थे, बोर नहीं हो गए अपोजिशन में रहते रहते? नहीं, बोर होने का तो सवाल नहीं है। बोर अगर होता तो मैं राजनीति से चला जाता, कोई और काम करता, कोई और धंधा खोजता। अभी बीजेपी ने आपको प्राइम मिनिस्टर अपना अनाउंस किया कि अगर पार्टी सत्ता में आई तो आप प्रधानमंत्री बनेंगे, आपको कैसा लगा? नहीं, इसकी घोषणा नहीं होना चाहिए। पार्टी को इससे नुकसान हुआ या पार्टी को फायदा होगा इस घोषणा से? पार्टी ने तो लाभ के लिए घोषणा की है। क्या लाभ हो सकता है आपको प्रधानमंत्री घोषित करने से पार्टी? मैं उसका विश्लेषण नहीं करना चाहता। लेकिन आप समझते हैं व्यक्तिगत रूप से आपको नुकसान हुआ? नहीं, लोग मेरी हर बात को अब जरा ज्यादा बारीकी से देखने लगे और इससे कुछ व्यवहारिक कठिनाइयां हो रही हैं। अब जहाँ चाहे मैं नहीं जा सकता, किसी भी ढाबे में जाकर खाना नहीं खा सकता। पहचानने वाले ज़्यादा हो गए हैं, नमस्कार करने वाले ज़्यादा हो गए हैं। लोगों की मानना है कि अगर बीजेपी की 200 सीट भी आई या कुछ सीट मेजॉरिटी में कम रह जाती हैं तो अगर अटल बिहारी वाजपेयी आ गए हैं तो चंद्रशेखर भी उनको सपोर्ट कर देंगे, एनटी रामाराव भी सपोर्ट कर देंगे। उनके नाम पे तमाम ऐसे लोग जो उतना ज़्यादा कट्टर रूप से बीजेपी के खिलाफ नहीं है वो सपोर्ट कर देंगे, शायद यही फायदा लेने के लिए आपका नाम उछाला गया। नहीं, मैं इस बारे में कुछ कह नहीं सकता। पार्टी ने जरूर कुछ सोच समझ के मेरा नाम आगे बढ़ाया है। अब वो सोच कहाँ तक सही साबित होता है ये तो भविष्य ही बताएगा। पार्टी के कई लोग हैं उनको ये बात पसंद नहीं आती जितनी आपकी दोस्ती नरसिम्हा राव से, आडवाणी जी की उतनी दोस्ती नहीं है, मुरली मनोहर जोशी जी की उतनी दोस्ती नहीं है। मैं पार्टी से पूछ कर दोस्तियाँ नहीं करता हूँ और पार्टी को आपत्ति नहीं होना चाहिए। आपकी किताब का विमोचन था, वो भी आपने नरसिम्हा राव से करवाया? हाँ, क्योंकि मैं चाहता था कि नरसिम्हा राव जी का जो साहित्यकार का पक्ष है वो लोगों के सामने आए। लोग कहते हैं कि ये पहली बार है कि लोकसभा में प्रधानमंत्री और लीडर अपोजिशन की इतनी दोस्ती है। भारतीय राजनीति में हम एक दूसरे को शत्रु मानकर चले, ये ठीक नहीं है। पॉलिटिकल एडवर्सरी होते हैं, एनिमीज नहीं होते। अभी थोड़ी देर पहले मैं प्रधानमंत्री पर जबरदस्त हमला करके आया हूँ। नूरा कुश्ती लोग मानते हैं इसे कि मुस्कराते रहते हैं आपस में फिर खड़े होकर बोल देते हैं। नहीं, क्या मुस्कराए भी ना, क्या लोकतंत्र में मुस्कराना भी जुर्म है? उन्होंने आपको गुरु भी कह दिया? वो तो व्यंग में कह रहे थे और मैंने उसका जो जवाब दिया वो भी आपने सुना होगा। क्या जवाब दिया? मैंने कहा कि आजकल गुरु तो गुरु रह जाते हैं और चेले शक्कर हो जाते हैं, और गुरु की जरूरत नहीं है, गुरु घंटाल की जरूरत है। जो मैं न मैं बन सकता हूँ और न नरसिंह राव जी बन सकते हैं। तो गुरु घंटाल कौन इंडियन पॉलिटिक्स? आप खोजिए, पता लगाइए। चंद्रशेखर भी आपको गुरु कहते हैं, ये सब आपको राजगुरु बनाना चाहते हैं क्या? ये हमें बना रहे हैं, ये बात सही है। अटल जी, जिस तरह से नरसिम्हा राव से आपकी दोस्ती है, अगर कभी कोई ऐसा मौका आया कि नरसिम्हा राव और बीजेपी की कोई कोलिशन गवर्नमेंट बनने का अवसर आए तो बनाएंगे आप? हमने इस सवाल पर अभी तक कोई विचार नहीं किया है, न मुझे इस तरह की कोई संभावना दिखाई देती है। तो आपके लिहाज से बीजेपी और कांग्रेस का कोई कोलिशन नहीं हो सकता? भारतीय जनता पार्टी की सारी लड़ाई कांग्रेस के खिलाफ है, कांग्रेस से गठबंधन का प्रश्न नहीं है। एक कंफ्यूजन आपके बारे में बहुत है कि आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं कि मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। कभी आप ग्वालियर से चुनाव लड़ते हैं, कभी विदिशा से, कभी लखनऊ से, तो कभी कहीं से। नहीं, हमारा पैतृक गाँव उत्तर प्रदेश में, लेकिन पिताजी गांव छोड़कर अंग्रेजी पढ़ने के लिए आगरा चले गए थे। फिर इटावा में पढ़े, फिर आगरा में पढ़े, फिर उन्हें ग्वालियर में, ग्वालियर स्टेट में सर्विस मिल गई थी, तो मेरा जन्म ग्वालियर में हुआ था।
इसलिए उत्तर प्रदेश का भी मैं हूँ और मध्य प्रदेश का भी हूँ। तो आपके पिताजी सिंधिया दरबार में नौकरी करते थे? जी हाँ, राज्य की शिक्षा सेवा में थे और वो बड़े पराक्रमी पुरुष थे। तो उसी सिंधिया परिवार के एक बेटे के खिलाफ आप चुनाव लड़ गए ग्वालियर से? नहीं, बेटे को मैंने भारतीय जनसंघ में शामिल भी कराया था। बेटा पहले हमारे साथ था, माँ को छोड़कर बेटा चला गया तो बेटे से लड़ना जरूरी हो गया। लखनऊ सीट को क्यों आप चुना? इसलिए कि वहाँ मुस्लिम्स का रिएक्शन है हिंदूज के? नहीं नहीं नहीं, मैं लखनऊ लड़ रहा हूँ 1956 से। एक उपचुनाव में वहाँ से लड़ा था, हार गया था, मगर बहुत अच्छे मुझे वोट मिले थे। बीजेपी में अकेले आप ऐसे लीडर हैं जिनके बारे में मुस्लिम्स को थोड़ी सी उम्मीद है? नहीं, ऐसा नहीं, उनमें गलतफहमी है, कुछ हमारे विरोधियों ने गलतफहमी पैदा की है। कई प्रदेशों में हमारी सरकारें चल रही हैं, पहले भी बनी थी, कहीं मुसलमानों के साथ भेदभाव नहीं हुआ। आप क्या कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार थी और बाबरी मस्जिद टूट गई? बाबरी मस्जिद टूट गई ये बात सच है, हमारी सरकार थी ये भी सच है, मगर कांग्रेस की सरकार होते हुए श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, तो क्या इसके लिए कांग्रेस की सरकार को दोष दिया जाएगा? लेकिन कल्याण सिंह तो कहते हैं कि मेरी मर्जी से हुआ, आप तो क्रेडिट लेते हैं? क्रेडिट अगर मिल रहा है तो कौन नहीं लेना चाहेगा? राजनीति में तो क्रेडिट लेने के लिए सभी आतुर रहते हैं। आपको याद होगा जिस दिन ढांचा ढाया गया, मैंने वक्तव्य दिया था और मैंने कहा था कि अच्छा नहीं हुआ। लेकिन दो दिन बाद फिर आपका स्टैंड थोड़ा सा नरम पड़ गया। नहीं नहीं, इसलिए स्टैंड नरम पड़ गया कि पार्लियामेंट में बहस हुई और मैंने सब दलों के सदस्यों को सुना, और तो मुझे लगा कि यहाँ अपने गरिबान में मुँह डालकर देखने के लिए कोई तैयार नहीं है, तो मैंने थोड़ा सा स्टैंड बदला, ये सच है। लेकिन आप कहते हैं मुसलमानों को संरक्षण देंगे, लेकिन दूसरी तरफ आपका शिवसेना से तालमेल है। बाल ठाकरे के भाषण आपने सुने? बाल ठाकरे क्या बोलते हैं इसकी तरफ आप ज़्यादा ध्यान मत दीजिए, महाराष्ट्र की सरकार क्या करती है इसको जरा गौर से देखिए। मतलब बाल ठाकरे को सीरियसली नहीं लेना चाहिए? ये मैं नहीं कहता, आप मीडिया वाले उनकी उपेक्षा तो कर नहीं सकते, तो इसलिए मुझसे क्यों कुछ कहलवाते हैं। इधर आपने देखा होगा कि बीजेपी भी बिल्कुल कांग्रेस की तरह बिहेव कर रही है। उनकी जितनी भी सरकारें हैं वहाँ भी करप्शन के चार्जेज हैं, आपस में लड़ाई है, डिसीजन एक्टिविटीज़ हैं, मार धाड़, जिस तरह से गुटबाजी कांग्रेस के अंदर है और जिस तरह की पॉलिटिक्स कांग्रेस के अंदर, बिल्कुल बीजेपी उसी रास्ते पर जा रही है? नहीं, बिल्कुल उसी रास्ते पर जा रही है ये तो मैं नहीं मानता। अभी गुजरात में जो कुछ हुआ बिल्कुल कांग्रेस की तरह नहीं था? नहीं, एक दृष्टि से तो वो कांग्रेस से भी एक कदम आगे था। जब मैं वहाँ गया और मैंने जाकर उनसे बातचीत की तो मुझे लगा कि बहुत छोटी बातों को लेकर इतना बखेड़ा खड़ा हो गया, तिल का ताड़ बना दिया गया है। मुख्य रूप से शिकायत ये थी कि हमें कोई मिलता नहीं है, हमारी कोई सुनता नहीं है। इसीलिए तो कह रहे हैं बीजेपी को तो अनुशासन पार्टी माना जाता है, सबसे ज़्यादा ये कहा जाता है कि अनुशासन के मामले में बीजेपी नंबर वन है, लेकिन ये तो कांग्रेस से बहुत आगे निकल गई। नहीं नहीं, अनुशासनहीनता पहली बार देखने को मिली। अनुशासनहीनता का उदाहरण गुजरात में हुआ है जो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन बाद में पार्टी ने अपने अनुशासन का परिचय दिया, वो लौट आए और अब वहाँ मिलकर काम कर रहे हैं। इसकी क्या वजह रही कि वघेला ने अडवाणी जी की बात नहीं मानी, आपकी बात मान ली? नहीं, ऐसा नहीं है, वघेला जी से बातचीत चल रही थी, उसमें ऐसा लगा कि वहाँ जाकर किसी को बात करना चाहिए, तो ये काम मुझे सौंपा गया। अब उन्होंने बात मान ली, ये अच्छा किया। कहते हैं गुजरात क्राइसिस के बाद अटल बिहारी वाजपेयी का कद बढ़ा है, अडवाणी जी का कद कम हुआ है। जी नहीं, ये तो मीडिया कद नापती रहती है, मेरे पास नापने का कोई गज नहीं है और न मैं इस तरह से विश्वास करता हूँ। अडवाणी जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। एक लोगों के मन में ये रहता है कि एक ड्यूओ जो है अटल बिहारी अडवाणी, सिर्फ इसको प्रमोट किया जाता है, इसको ट्रियो में नहीं बदलने दे रहे हैं कि अटल बिहारी अडवाणी और जोशी। तीन नाम एक साथ जोड़ने पर नारा ठीक नहीं बनता है, नारा लगाने में कठिनाई होती है, इसलिए नहीं जोड़ा जाता जोशी जी को। जोशी जी त्रिमूर्ति में तो हैं, त्रिमूर्ति मानते हैं, बन गई अब? नहीं बन गई नहीं, त्रिमूर्ति है आप लोगों ने बना रखी है। टूटे हुए तारों से फूटे वासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकुर, झरे सब पीले पात कोयल की कोहक रात, प्राची में अरुणिमा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। इसका दूसरा अंत में, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी, टूटे हुए सपने की सुने कौन सिसकी,
अंतर को चीर व्यथा पलकों पर ठिठकी, हार नहीं मानूंगा रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। जब आप लिखते हैं तो कुछ एकाकीपन का भाव रहता है, कभी अकेला महसूस करते हैं इसलिए लिखते हैं? हाँ, अकेला महसूस तो करता हूँ, भीड़ में भी अकेला महसूस करता हूँ। शादी क्यों नहीं की आपने? घटना चक्र ऐसा चलता गया कि मैं उसमें उलझता गया और विवाह का मुहूर्त नहीं निकला। कोई अफेयर भी कभी नहीं हुआ जिंदगी में? अफेयरों की चर्चा नहीं की जाती है सार्वजनिक रूप से। हमेशा से एक विवाद रहा है आपके बारे में कि आरएसएस से आपका कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मन मुटाव चलता रहा, और जो हार्डकोर आरएसएस के लोग हैं आपके खिलाफ रहे, क्योंकि आप आरएसएस की बैकग्राउंड से नहीं आते हैं। आरएसएस के साथ मेरा बहुत गहरा संबंध है और कुछ मुद्दों पर मतभेद होते हुए भी मैं समझता हूँ कि एक ऐसा संगठन है जिसमें निस्वार्थी लोग हैं और जो देश के निर्माण में एक रचनात्मक भूमिका निभा रहे हैं। वो कौन से मुद्दे हैं जिन पर मतभेद है आपका आरएसएस से? अब उनकी सार्वजनिक रूप से चर्चा करना इस समय ठीक नहीं है। कुछ इशारा तो कर सकते हैं? कोई आवश्यक नहीं है, वो मतभेद ऐसे नहीं है कि मैं अपने लिए अलग रास्ता खोज लेता। अगर मतभेद इतने गहरे होते और इतने तीव्र होते तो मेरा आरएसएस में रहने का सवाल ही पैदा नहीं होता। कहीं वो मुस्लिम्स को लेकर तो नहीं, जो उनकी अप्रोच है और आपकी अप्रोच है, दोनों में काफ़ी फर्क हो? बात किस तरह से की जाती है इसमें भी कभी कभी अंतर होता है। कहते हैं कि आरएसएस के प्राइम मिनिस्टर अडवाणी जी हैं और बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट अटल जी हैं। ये तो शुक्ला जी का कथन है जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। आरएसएस वालों ने इसका एंडोर्समेंट कर दिया आपके कैंडिडेचर का? मैं नहीं समझता कि किसी एंडोर्समेंट की जरूरत है। रिमोट कंट्रोल तो उन्हीं के पास रहता बीजेपी का? नहीं, किसी के हाथ में हमारा कंट्रोल नहीं है। हम स्वयं अपनी पार्टी चलाते हैं, हम परामर्श लेते हैं, सलाह लेते हैं, वो बात अलग है। अच्छा, आपने अभी एक इंटरव्यू में कहा है कि आप मध्यमार्गी हैं, तो आप ऐसी कोई पार्टी को नहीं चुन लेते जो सचमुच मध्यमार्गी हो? नहीं, मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी एक मध्यमार्गी है। बीजेपी को मध्यमार्गी पार्टी मानते हैं? मानने का सवाल नहीं है, हम मध्यमार्गी हैं क्योंकि हम समन्वय में विश्वास करते हैं। भारतीय संस्कृति समन्वयवादी संस्कृति है। अटल जी बेबाक थे, जिंदा दिल थे, स्पष्ट वक्ता थे। जब तक प्रधानमंत्री नहीं बने थे, लोगों से खूब घुलते मिलते थे, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बने तो इस बात को लेकर काफी दुखी हो गए थे कि सुरक्षा की वजह से वो आम लोगों के साथ उस तरह नहीं मिल पा रहे थे जैसा उनका व्यक्तित्व था, जिस तरह से मिला करते थे। अटल जी से जब बात शुरू हुई तो उनके दिल की ये बात उनकी जुबान पर आ गई। पीएम बनने के बाद हमने एक बार फिर उनसे बातचीत की, मगर कुछ नए सवालों के साथ। तो आइए मिलते हैं भारतीय जनता पार्टी के पहले प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी से। जो जितना ऊंचा उतना ही एकाकी होता है, जो जितना ऊंचा उतना ही एकाकी होता है, हर भार को स्वयं ही ढोता है, चेहरे पर मुस्कानें चिपका मन ही मन रोता है। जरूरी यह है कि ऊंचाई के साथ विस्तार भी हो। धरती को बौनों की नहीं, ऊंचे कद के इंसानों की जरूरत है। धरती को बौनों की नहीं, ऊंचे कद के इंसानों की जरूरत है। इतने ऊंचे कि आसमान को छू लें, नए नक्षत्रों में प्रतिभा के बीज बोलें, किंतु इतने ऊंचे भी नहीं कि पांव तले दूबी न जमे, किंतु इतने ऊंचे भी नहीं कि पांव तले दूबी न जमे, कोई कांटा न चुभे, कोई कली न खिले, न वसंत हो न पतझड़, हो सिर्फ ऊंचाई का अंधड़, मात्र अकेलेपन का सन्नाटा। मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना। अटल जी, इतने दिन अपोजिशन में रहने के बाद अब आप हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? कुछ अटपटा सा लग रहा है। क्यों अटपटा क्यों लग रहा है? कई कारण है। जनादेश मिला है मगर स्पष्ट नहीं है। अन्य दलों की तुलना में हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन इतनी अच्छी नहीं है कि हम अपने बल पर सरकार बना सकें। इसलिए एक ओर सीमाओं का एहसास है और दूसरी ओर अवसरों की भी अनुभूति है, इसलिए मिली जुली भावनाएं हैं। क्या बहुमत साबित करने के प्रति कोई शंका है? बहुमत जुटाने का प्रयास किया जा रहा है।
हमने ऐलान किया है कि हम बहुमत के लिए अनैतिक तरीके नहीं अपनाएंगे, यानी कि जोड़ तोड़ नहीं करेंगे। नहीं, जोड़ तोड़ अलग है, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं करेंगे। जी नहीं, खरीद फरोख्त का काम नहीं होगा। देश की स्थिति को देखकर संसद में सभी दलों का जो स्वरूप है उसका ध्यान करके, अगर संसद के सदस्य अपने विवेक से इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनादेश गया है, इन्हें सेवा का एक अवसर दिया जाना चाहिए, तो मुझे लगता है कि फिर हमें अपना बहुमत सिद्ध करने में कठिनाई नहीं होगी। लेकिन अभी जो स्थिति, उसमें लगता है कि नेशनल फ्रंट, लेफ्ट फ्रंट के साथ कांग्रेस भी चली गई, और भी जो रीजनल ग्रुप्स हैं उन सब ने ऐलान कर दिया आप उनके साथ हैं, ऐसी स्थिति में आपको नहीं लगता कि एक बड़ा कठिन स्थिति पैदा हो गई है और बड़ा मुश्किल है बहुमत साबित करना? नहीं, जहाँ तक अन्य दलों का प्रश्न है, वहाँ स्थिति गतिशील है, चलायमान है। विशेषकर ये बात कांग्रेस पर लागू होती है। सुबह कुछ रंग दिखाई देता है और शाम को किसी दूसरी दिशा का संकेत मिलता है। मैं नहीं समझता कि किसी दल ने अभी अंतिम तौर पर निर्णय किया है। कांग्रेस से एब्सटेन होने की उम्मीद है आपको, या उनके कुछ एमपी अंतरात्मा की आवाज़ पर आपको वोट कर देंगे? नहीं, मुझे इस बात का भरोसा है कि अंततो गत्वा लोकसभा का सदस्य अपने विवेक से काम लेगा और जो कुछ देश के हित में, लोकतंत्र के हित में उचित समझता है वो करेगा। लेकिन उस पर तो व्हिप लागू होता है पार्टी का। हाँ, व्हिप है, व्हिप तो अपनी जगह है, कानून भी बने हुए हैं और कानून एक तिहाई सदस्य अगर एकत्र हो जाए तो उन्हें दूसरे रास्ते पर चलने की भी अनुमति देता है। नरसिम्हा राव जी ने तो आपको अपना गुरु कहा है, तो अपने चेले की मदद क्यों नहीं लेते? वो साहित्य चर्चा थी, राजनीति का अखाड़ा नहीं था। उनसे मदद की कोई उम्मीद नहीं? नहीं, समर्थन उनसे इस अर्थ में मांगा भी नहीं गया है। ये हम जरूर चाहते हैं कि जो लोकसभा का अध्यक्ष हो वो सर्वसम्मति से चुना जाए, चुनाव में उसका विरोध न हो, निर्विरोध चुनकर आए और निष्पक्षता से अपने कर्तव्य का पालन करें। आज नरसिंह राव जी से मेरी मुलाकात हुई थी, मैंने उनसे कहा कि आप इस परंपरा को आगे बढ़ाने में मदद दें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन कांग्रेस ने कहा कि नेशनल फ्रंट, लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस का ज्वाइंट कैंडिडेट होगा। हाँ, स्पीकर के लिए ऐसा मैंने सुना है। आज की स्थिति यह है, कल क्या होगा पता नहीं। तो उस कैंडिडेट को आप सपोर्ट करेंगे या अपना एक नया कैंडिडेट आप देंगे? ये तो हम उसी समय तय करेंगे। अभी भी मैं उम्मीद करता हूँ कि श्री शिवराज पाटिल के नाम पर सर्वसम्मति हो जाएगी। आप उनके नाम का समर्थन कर रहे हैं? अगर कांग्रेस पार्टी उनका नाम लाती है तो हम उसका समर्थन करेंगे। की सरकार की प्राथमिकता क्या होगी? प्राथमिकताएं तो कई होंगी। देखिए, देश की परिस्थिति ऐसी है कि कई साथ एक काम करना पड़ेंगे। एक या दो खास? अब दो दिन से आसाम की स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि कोई भी सरकार सत्ता में आने के बाद उसकी उपेक्षा नहीं कर सकती। हिंसा भड़क रही है, भारत की फौज को वापस बुला लो, दिल्ली की फौज को वापस बुला लो, ये मांग हो रही है। एसपी की हत्या कर दी गई, कहीं सांप्रदायिक तनाव भड़क गया है। अब असम की स्थिति को काबू में लाना, असम सीमा प्रदेश है, ये बहुत जरूरी है। दूसरी ओर पाकिस्तान तुला हुआ है कश्मीर में चुनाव न होने पर। हम चुनाव के पक्ष में नहीं थे, हमने कहा था कि चुनाव के लिए परिस्थिति अनुकूल नहीं है, लेकिन एक बार जब सरकार ने फैसला कर लिया कि चुनाव होंगे, चुनाव की प्रक्रिया आरंभ हो गई, तो सत्ता संभालने के बाद हमने ये नहीं सोचा कि हमने पहले क्या कहा था और अब हम क्या क्या, अब हमें कैसा रवैया अपनाना चाहिए। हमने कहा कि जो एक नीति तय हो गई है उस पर हम दृढ़ता से चलेंगे, और पाकिस्तान के दबाव में आकर हम कश्मीर में चुनाव रोक दें ये स्थिति कभी नहीं आने दी जाएगी। तो कश्मीर का मामला भी है जिसको प्राथमिकता देना पड़ेगी। कश्मीर के मामले में धारा 370 के बारे में क्या? धारा 370 एक गौण प्रश्न है, मुख्य प्रश्न नहीं है। मुख्य प्रश्न है आतंकवाद को दबाना, आतंकवाद को परास्त करना और कश्मीरी जनता का विश्वास प्राप्त करना।
370 अगर कश्मीर के लोगों को ठीक तरह से समझाया जाए तो आम आदमी उसका विरोध करेगा, ऐसा मैं नहीं समझता। आर्थिक नीति क्या होगी, जो नरसिम्हा राव सरकार की या मनमोहन सिंह की आर्थिक नीति थी, उस पर आप कायम रहेंगे या कुछ बदलाव करेंगे? नहीं नहीं, हमने चुनाव घोषणा पत्र में अपनी आर्थिक नीति का विस्तार से विवरण दिया हुआ है। कोटा परमिट राज के हम खिलाफ हैं और हम आर्थिक क्षेत्र में प्रतियोगिता को बढ़ावा देना चाहते हैं, लेकिन अभी तक देश का आर्थिक वातावरण ऐसा था कि जिसमें उद्योगों को संरक्षण था। अब उद्योगों को प्रतियोगिता के लिए और विश्व प्रतियोगिता के लिए तैयार करना है। विश्व प्रतियोगिता मतलब कि MNCs को, मल्टीनेशनल्स को? जी नहीं, उसी तरह आने दिया जाएगा। कुछ क्षेत्रों में तो अभी भी बहुराष्ट्रीय कंपनियां काम कर रही हैं, कुछ क्षेत्रों में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को लाना हम पसंद करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, हाईटेक के क्षेत्र में, निर्यात के बढ़ावे के क्षेत्र में। और लेकिन भारत के उद्योगों को विश्व प्रतियोगिता के लिए इस अर्थ में तैयार करने की बात मैं कह रहा हूँ कि हमारी कंपनियाँ बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ जैसी विकसित हो सकें, अच्छा माल बना सकें और कीमतों की दृष्टि से उनकी टक्कर में ठहर सकें, इस तरह का वातावरण बनाना जरूरी है। और थोड़े दिन इस दृष्टि से भारतीय उद्योग को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है। जो मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ जो पहले से प्रोजेक्ट हैं चल रहे हैं या जिनको फाइनल कर दिया था पिछली गवर्नमेंट ने, उनका रिव्यू होगा? जी नहीं, आमतौर पर उन्हें काम करने की इजाज़त होगी, काम करने की छूट होगी, उनके बारे में नए सिरे से विचार करना जरूरी नहीं होगा। विदेश नीति में कोई फर्क करेंगे, वैसी रहेगी? नहीं, विदेश नीति में ज़्यादा फर्क नहीं होगा। और ब्यूरोक्रेसी के बारे में? ब्यूरोक्रेसी को तो ठीक करना है। लेकिन सरकार तगड़ी हो, बहुमत हो तो ठीक होगी। मुस्लिम्स को काफ़ी एक तरह से दहशत या गलत फहमी या भय है इस बात का कि भाजपा की सरकार आ गई, पता नहीं क्या होगा उनके लिए, तो मुस्लिम्स के बारे में क्या रुख रहेगा इस सरकार का? नहीं, अब तो किसी तरह का भय या भ्रम नहीं होना चाहिए। आखिर चार प्रदेशों में हमारी सरकारें चल रही हैं, केंद्र में भी हम लोग सत्ता में भागीदार रह चुके हैं, एक असांप्रदायिक राज्य के आदर्श में हमारी अटूट निष्ठा है, भारत एक बहुधर्मी देश है, यहाँ एक किताब, एक पैगंबर या एक देवता को मान्यता नहीं मिली है। तो इस आधार पर हमारे मुस्लिम मित्रों के मन में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के शासन में उन्हें पूरा संरक्षण मिलेगा, भारत के नागरिक के नाते उनके साथ न्याय होगा, उन्हें प्रगति के समान अवसर मिलेंगे और वो स्वाभिमान के साथ, सम्मान के साथ देश में रहें, ऐसी परिस्थिति उत्पन्न होना चाहिए। ऐसी परिस्थिति उत्पन्न करने में उनका भी योगदान होना चाहिए। वो अपने को अलग थलग क्यों बनाए हुए हैं ये मेरी समझ में नहीं आता। कुछ मुस्लिम नेताओं का उद्देश्य स्वार्थ उससे पूरा हो सकता है, लेकिन आम मुसलमान के वो हित में नहीं है। बाकी पार्टियां जिस तरह से कहती हैं कि कम्युनल फोर्सेज इनको रोक दिया जाए और ये एक सरकार की तरह से सांप्रदायिकता पर आधारित सरकार है, इसलिए इसको रोकने के लिए, बीजेपी को रोकने के लिए हम सबको एकजुट हो जाना चाहिए, सरकार को गिराना चाहिए, तो वो एक मुसलमान को ही ध्यान में रख के लोग बात कहते हैं। जी हाँ, ये सही है, मुस्लिम वोट बैंक पर उनकी नज़र है, लेकिन न वो मुसलमानों का भला कर रहे हैं न देश का भला कर रहे हैं। अगर इस देश में हिंदू सांप्रदायिक हो गया तो सेक्युलरवाद कैसे बचेगा? मैं कुछ दिनों से लगातार यही राग आलापते हुए सुन रहा हूँ, और कोई उनके पास विधायक या रचनात्मक कार्यक्रम नहीं है? भाजपा को रोको, क्यों रोको? क्या भाजपा को मत नहीं मिले हैं? क्या लोगों ने भाजपा का साथ नहीं दिया, उनसे ज़्यादा साथ दिया है? उन्होंने तो जो जमघट बनाया है वो चुनाव जीतने के बाद बनाया है, अलग अलग वो चुनाव लड़े थे, एक समान कार्यक्रम भी नहीं था, और अभी भी वो कब तक साथ रहेंगे?
नेतृत्व की जिस तरह से छीना झपटी हुई है, तो इस स्थिति में भारतीय जनता पार्टी एक स्थायित्व का तत्व है। एक बड़ी पार्टी है, संगठित पार्टी है, कुछ और पार्टियां हमारा साथ दे रही हैं, हमें थोड़ा सा समर्थन और मिल जाए तो हम स्थायी सरकार दे सकते हैं और जवाबदेह सरकार दे सकते हैं। अभी सारी सिक्योरिटी, सारा तामझाम, सारे बंधन, मुलाकातियों की भीड़, इतना सब हो गया है तो इसमें आप बंधे बंधे नहीं महसूस करते? मैं बहुत बंधा हुआ अनुभव करता हूँ। आप इमोशनल हो रहे हैं। मैं जब से आया हूं तब से ये कह रहा हूं कि भाई इतनी सिक्योरिटी की क्या जरूरत है, रास्ते बंद हैं, सड़कें सुनसान हैं, ऐसा लगता है जैसे हड़ताल हो गई हो, देशवासी इतनी दूर खड़े कर दिए जाएं, हमारे अपने कार्यकर्ता, हमारे अपने लोग पास ना आ सकें, उनको समझाना भी मुश्किल है। उचित प्रबंध ठीक है, उसमें दिखावा बहुत कम होना चाहिए और थोड़ा सा भगवान पर भी भरोसा होना चाहिए।